ब्रिटेन के एसेक्स काउंटी में एक ट्रक कंटेनर से 39 शव बरामद हुए हैं। एसेक्स पुलिस ने हत्या के शक में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। लंदन के पूर्वी हिस्से में बसे एसेक्स काउंटी में एक ट्रक कंटेनर में 39 शव बरामद हुए हैं। इन शवों में 38 बालिग और एक नाबालिग है। एसेक्स पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इन शवों के बारे में एसेक्स की एम्बुलेंस सेवा को सबसे पहले पता चला। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात तकरीबन 1:40 पर एम्बुलेंस सेवा ने एसेक्स के वाटर ग्लैड इंडस्ट्रियल पार्क से ट्रक को देखा और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि एम्बुलेंस सेवा को किसने अलर्ट किया। शुरुआती तफ्तीश के बाद एसेक्स पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की पहचान हो गई है। उसकी उम्र 25 साल है। वो उत्तरी आयरलैंड का रहने वाला है और बुल्गारिया की ओर से ट्रक लेकर आ रहा था। जांच एजेंसियों ने उसके साथ पूछताछ शुरू कर दी है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर इस दुखद घटना पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि वे गृह विभाग और एसेक्स पुलिस के संपर्क में हैं और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि हत्यारा कौन है। एसेक्स से सांसद और ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने इस घटना पर दुख जताया है। वह हाउस ऑफ कॉमर्स में इस पर बयान जारी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।